भाग्यों की निधा राकेश टिकैत इगलास के गांव नया पहुंचे और उन्होंने जम्मू अखनूर बस हादसे में मृतक और घायल लोगों के परिवार वालों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की। इसके बाद उन्होंने सरकार द्वारा मुआवजा देने पर संतुष्टि न जताते हुए 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की सरकार से मांग की। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में केंद्र में एनडीए गठबंधन की सरकार बनने पर गरीबों और किसानों के लिए काम करने की बात की। देखो, मिले दुखद घटना है और हादसा हुआ है, ये परिवारों को भी मिले सांत्वना ही दे सकते हैं। सब लोग आए यहाँ पे, प्रशासन भी खैर लगा रहा, यहाँ का प्रशासन भी और वहां का भी लगा रहा, मदद करी। कुछ लोग घायल है अभी बहुत। एक तो इस तरह के हादसे ना हो तो जांच उनकी होनी चाहिए। क्या बसों में सवारी ज्यादा जाती है? क्या ड्राइवर जो नॉर्म्स है पूरे कर रहे हुए डबल ड्राइवर चलते हैं इसमें? जो इन चीजों की और हादसा हुआ है क्योंकि धार्मिक उस पर जा रहे हैं और सरकार जो है वो धार्मिक उस पर ही सरकार ज्यादा काम कर रही, तो इनको मुआवजा इस तरह का एक पूरा फंड बने और सरकार को कम से कम इनको 25-25 लाख रुपया मुआवजा स्टेट गवर्नमेंट को इनको देना चाहिए। शायद उन्होंने दो दो दिए हैं, कुछ वहां के दिया है तो 10-10 लाख रुपए इनका होगा, लेकिन 25 लाख रुपया एक परिवार को मुआवजा ये मिनिमम से मिनिमम है। कोई ये भी नहीं का कोई 1 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे, एक हादसा है हो जाए तो उसी से एक थोड़ी सी पूर्ति हो सकती है परिवार की। जो लोग चले गए वे आते तो है नहीं। अच्छा नेताजी, तीसरी बार केंद्र में भाजपा की सरकार बनने वाली है, आप भविष्य किस तरह देखते हैं? लिबरल सी रहेगी सरकार, ज्यादा टाइट ना रहे क्योंकि गठबंधन की रहेगी सरकारें, और ये है कि गांव गरीब किसान आदिवासियों के सब के ऊपर सरकारें काम करें। अब गांव के हालात बहुत खराब, जिस गांव में हम आए तो क्या ये गांव है? जो गांव की बात करते हैं, गांव में सड़कें नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, क्या चलने लायक गांव है? क्या इतना फंड तो होना चाहिए ना गांव प्रधान पे के गांव की सड़कें वो ठीक बनवा दें। ऐसी ही अपडेट के लिए आप देखते रहिए एटी न्यूज़ इंडिया, साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।